Hey guys, this is Bhai Amant Agarwal. नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि आपका, मेरा और हमारे माँ बाप का एक सपना रहा है कि यार हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, हमारा नाम बड़ा कर रहा हो। और ये चाहे आपका गवर्नमेंट एग्जाम के माध्यम से हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो रहा हो। आज हम बात करेंगे कहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो रहा है, किधर कम हो रहा है, कौन से नए एमर्जिंग सेक्टर जनाब आपके आ गए हैं। और इस वीडियो में यार 5 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि उद्देश्य है अवेयर करना, ऐसा ना हो रहा हो कि जितने भी आप में से लोग हैं जिनको आने वाले 4-5 साल में जनाब जो आप मिलने वाली है, हो क्या था क्या है कि कॉलेज में आप जाते हो, 3 साल बीत जाते हैं, फिर बाद में 3 और बीत जाते हैं, और 6 साल बाद आप खड़े होकर सोचते हो यार काश मुझे उस चीज के बारे में पता होता, मेरे काफी दोस्तों ने तो वो किया, मुझे क्यों नहीं पता था। और इस इंटरनेट के जमाने में जहां पे नॉलेज इतनी इजीली एक्सेसिबल है, ये दुख हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। सबसे यूथफुल नेशन अब हम पूरे विश्व के हो चुके हैं, सबसे ज्यादा हमारी मात्रा है, और ऐसे में एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जनाब हम अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट, एक जॉब लेके आ रहे हो। सरकार वगैरह के भरोसे नहीं रह सकते जनाब, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा सा मूड बना लिया है। चाहे आप एयर इंडिया की बात करो, बिजली डिपार्टमेंट की बात करो, सड़क डिपार्टमेंट की बात करो, गवर्नमेंट जॉब्स आपकी थोड़ी सी कम हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में पर नए सेक्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। जिसको गवर्नमेंट जॉब में सपना है, डेफिनेटली उसे वही करना होगा। मैं किसी को यहां पे डिस्करेज बिल्कुल नहीं करूंगा। सबसे पहले हमें जॉब सेक्टर को समझना पड़ेगा, किधर कितनी जॉब्स हैं और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सरकारी जो जॉब्स हैं वहां पे सिलेक्शन रेशियो less than 1% है। इंजीनियर्स की अगर बात करें, जिनका आपका एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद 4 साल की डिग्री हो गई, अब 100 जो इंजीनियर्स हैं उनमें से 20 की ही जनाब जॉब लग पाती है। सीए में अगर बात करें तो करीबन 12% है ये। हेल्थ केयर में 70-80% लोगों की जॉब लग जाती है, अच्छी बात है। और स्किल्स एक नया सेक्टर है जो कि आज के इस वीडियो में हमारा बाहुबली होने वाला है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे शायद मम्मी पापा को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, पर जनाब ये बूम कर रहा है और बच्चे बहुत बहुत प्यारा पैकेज इस डोमेन में फोड़ रहे हैं। भैया ये गवर्नमेंट जॉब में less than 1% है तो इसकी तो तैयारी करनी नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो बाकी सारे लग रहे हैं। और अगर इतने ही कम सिलेक्शन परसेंटेज हैं तो बचे हुए जो लोग हैं उनका हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये सारी चीजें अभी बता रहे होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले समय में क्या कॉम्पिटिशन बढ़ेगा या कम होगा, अगर हम पिछले 10 साल से कंपेयर करें तो जनाब जो आपका अवेयरनेस है अबाउट एग्जामिनेशन कि भाई SSC एग्जाम होता है या फिर और ये फलाना टाइप के एग्जाम होते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से इसका अवेयरनेस बढ़ा है। साथ में जो पढ़ने के रिसोर्सेज होते हैं वो भी बढ़ गए कि यार आपको YouTube पे चीजें इजीली अवेलेबल हैं या फिर बहुत सस्ते दामों पे आपको अब एजुकेशन डोर टू डोर जाके पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत प्यारी चीज है। ये दो चीजें ऊपर हुई हैं और जनाब जो सीट्स हैं वो कम हो गई। ओहो, सीट्स कम क्यों हो गई? क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा मुंह मोड़ रही है। क्यों मोड़ रही है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स एफिशिएंट होते हैं, उन्हें अपना खर्चा निकाल के प्रॉफिट भी निकालना होता है, तो वो जनाब ध्यान रखते हैं। जैसे अगर बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, पहले सरकार के अंडर आता था, अब धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज जैसे ही हुआ तो घर घर तक बिजली पहुंची है। पहले बिजली की चोरी हो जाती थी यार तारों से, अब क्या है बिजली डिपार्टमेंट को पता, अच्छा यहां से चोरी हो रही है तो वहां पे वो काटते हैं जाके। सिमिलरली अगर आप रोडों की बात करो, पहले उठती ही नहीं थी, टूटी फूटी रोड की बजाय अगर हमें एक अच्छा हाईवे मिल जाता है और जनाब वहां पे गड्ढे वड्ढे नहीं है तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता 20 रुपए या 200 रुपए का टोल टैक्स देने में, राइट? तो यहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है। सिमिलरली अगर आप एयर इंडिया को देखोगे तो वो भी अब टाटा ने बाय आउट कर लिया है। तो कोई अंदर का ही व्यक्ति बता रहे थे कि यार पहले हम सरकारी था तो ऐसे ही बैठे रहते थे, अब जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है रोज हम बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि यार प्राइवेट सेक्टर को तो एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी, तभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी वो प्रॉफिटेबल चल पा रहे होंगे। ऐसे में डेफिनेटली फौज हो गई, पुलिस हो गई, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि शायद कभी प्राइवेटाइज नहीं हो रहे होंगे, होने भी नहीं चाहिए, पर गवर्नमेंट ने एक मूड बना लिया है कि जो जो चीजें पॉसिबल हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा हो। और दूसरा यार कभी भी हमारा उद्देश्य मिशन ये नहीं होना चाहिए कि यार सरकारी जॉब है इतना अबव द टेबल, इतना अंडर द टेबल, राइट? मतलब हम वो व्यक्ति नहीं हो सकते कि आप बात करो, चलो मैं ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, हम उसमें आज जाएंगे नहीं, वो किसी और दिन हम कवर कर रहे होंगे। भैया ये जो बाकी लोग बच जाते हैं इनका क्या होता है, ये क्या जॉब करते हैं नहीं करते? एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और उनमें से जनाब सीट सिर्फ 10,000, अरे यार ये तो 1% सिलेक्शन रेशियो हो गया। ना 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 ना, कभी ध्यान से देखना, इस 10 लाख में से ये एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे गए हैं, असली में बैठते कितने बच्चे हैं? काफी जगह तो ऐसा ऐसा पाया गया है कि जनाब 60-70% बच्चे पेपर देने ही नहीं आए, कुछ कुछ एग्जाम्स में हुआ है। आप ऐसा मान सकते हो इसमें से मैक्स टू मैक्स 30% ही एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि सीरियस होते हैं अपने एग्जामिनेशन के प्रति, ठीक है,
और आपको जनाब एक सीट चाहिए एट द एंड, और एक डेडलाइन आपको दिमाग में जरूर सेट करनी चाहिए कि मैं जनाब इतने साल इसको दे रहा हूँ, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल। बाकी लोग क्या काम करते हैं? इंडिया में आज के दिन 50 करोड़ वर्कर्स हैं। इन 50 करोड़ में से मेजॉरिटी 41% एग्रीकल्चर, खेती, डेयरी, ठीक है, इन सब का काम कर रहे हैं। 26% इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चर, किसी को चीज को बना रही हैं। साथ में 33% सर्विस, सर्विस मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर हो गए, सीए हो गए, ड्राइवर हो गए, रिसेप्शन पे बैठने वाले हो गए, जो कि सर्विस के बदले में अपनी सैलरी लेते हैं। और ये से बड़ा आपको ये चौकन्ना फैक्ट लगेगा कि मात्र 6% इस 50 करोड़ में से ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब सरकारी जॉब्स, प्राइवेट कंपनी, टीसीएस, विप्रो से लेके आपके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या छोटी कंपनियां हो गई, स्टेट ओन कंपनीज, ये मात्र 6% है इस पूरे 50 करोड़ का। 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि आप वेंडर्स वगैरह देखते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम इस तरफ आ रहे होंगे, राइट, ये एक फेज है, पर अब आपको थोड़ा थोड़ा हमारा यार मैप समझ में आ रहा होगा। अब भैया ये इतने सारे फैक्ट्स से मैं कंक्लूजन क्या निकालूं, क्या सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हर एक कोई 12वीं तक नहीं पढ़ पाता, पर हम में से काफी लोगों ने मेहनत करके 12वीं तक पढ़े, उसके बाद हमें मौका मिला हम कॉलेज में जा पाए। कुछ लोग इंजीनियर डॉक्टर की तैयारी करते हैं और काफी लोग होते हैं जो कि 3 साल का एक जनरल बीएससी बीए बीकॉम करते हैं, वो कॉलेज के बाद गेट पे खड़े होते हैं बिना किसी जॉब के। फिर कोई बोलता है कि यार जॉब के लिए सरकारी चले जाओ, वहां पे 3 से 4 साल और लगाया जाता है प्रिपरेशन में। माँ बाप वही किसान के यार 41% अगर एग्रीकल्चर में उन्हीं के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास से मेजॉरिटी लोग आ रहे होते हैं, महीने का किराया, रहना, खाना पीना बच्चे का 10-10 हजार आता है, साल का 1.25 लाख रुपए, साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस और किताबों का खर्चा दिया जाता है 3 से 4 साल। बच्चा हर साल मायूस भी होता है, एक स्ट्रगल होती है, एक फेज, वो बहुत बहुत कठोर होता है वो, और ये एक जर्नी हुआ करती थी। अब क्या हो रहा है, मैं यार 24 साल का हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप 150 लोग काम करते हैं, और मैंने जब आज से 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था तो उम्र मेरी भी 20-21 साल थी, और मैंने अपने साथ कॉलेज स्टूडेंट्स जोड़ लिए थे, छोटी छोटी उम्र के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग आता है, एनिमेशन आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, कम कम स्टाइपेंड पे यार वो जुड़े। और अब फर्स्ट ईयर हुआ उनका, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, थर्ड ईयर के बाद मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में जनाब ऐसे ऐसे व्यक्तियों का एग्जाम्पल मैं आप सबके प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनके पैकेजेस 40,000, 50,000, 60,000 रुपए मंथली तक हैं। ये ऐसे बच्चे हैं यार जिनके शायद 12वीं में कम नंबर थे या किसी भी कारणवश ओपन कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, फर्स्ट ईयर के 6 महीने में ही उन्होंने स्किल सीखी, एक जॉब पकड़ी और उसमें अपस्किल करते गए। 60,000 रुपए आज के दिन यार जनाब एक अच्छे मतलब इंजीनियर्स को भी काफियों को नहीं मिल पाता है। और ऐसे व्यक्ति हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको शायद 12वीं में यार आपके तो नंबर कम आ गए, अब आप भविष्य में क्या करोगे, इन बच्चों ने क्या करा, स्किल सीखी, अपने आप को अपस्किल किया और अब अपने पैरों पर खड़े हैं। यही कुछ नए सेक्टर हैं। भैया क्या बोलना चाहते हो आप, हमारे मम्मी पापा मारेंगे हम ये चीजें उनके बताएंगे? मैं ये कह रहा हूं, देखो आप में से काफी हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कॉलेज के शुरुआत से ही कर देते हैं, इनफैक्ट कुछ 11-12 से भी कर देते हैं, वेरी गुड, पर आप में से काफी मेजॉरिटी ऐसे भी हैं जो कि कॉलेज के दौरान का समय उतना इस्तेमाल नहीं करते, राइट? क्यों ना हम अपने कॉलेज की फीस स्वयं दें, क्यों ना एज अ इंडियन यूथ आप एक नई स्किल सीखो। अरे हमें यार कोई काम तभी तो देगा जब किसी स्किल में हमारी महारत होगी, कोई 5,000-10,000 रुपए तभी तो देगा जब मुझे कोई काम करना आता होगा। क्यों ना हम ये डिजिटल स्किल्स सीखें? भैया लैपटॉप चाहिए, इसके लिए फोन चाहिए, कहां से आएंगे? अरे जब हम सरकारी तैयारी के लिए महीने का 10,000 का किराया वगैरह देते हैं, 1.25 लाख मंथली खर्च साल का देते हो, अरे 40-50 हजार का क्यों ना हम एक लैपटॉप ही खरीद लें, क्यों ना कुछ ऐसा जिसमें घर बैठे बैठे ये जियो की सिम लगा के इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ टेक्निकल स्किल्स सीख लें। अगर मीडिया इंडस्ट्री में जाने हैं तो ये कुछ स्किल सीख लें, अगर जनाब मार्केटिंग में जाना है तो ये कुछ स्किल सीख लें। और जनाब शुरुआत में फर्क नहीं पड़ता कि आपको 5,000 दिया जाता है महीने का, 10 दिया जाता है, 15 दिया जाता है, या फ्री में भी करना पड़े तो करो अगर काम सीखने को मिल रहा है। पर होगा क्या, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 30 साल में आप अपस्किल कर जाओगे और जनाब आपके पास एक अच्छा पेइंग जॉब होगा। अगर इस इंडिया में ही, मैं बता रहा हूं, लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, अगर आपके पास स्किल है आपको जॉब मिलेगा 100%। यार एम्प्लॉयर जो होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो भूखी होती हैं, वो पागल हो रही होती हैं कि यार हमें कोई टैलेंटेड व्यक्ति मिल जाए, हमें टैलेंटेड व्यक्ति मिल जाए, कोई स्किलफुल व्यक्ति मिल जाए, आप स्किल लेके तो आओ। अरे 3 साल में आप कोई भी स्किल 0 से लेके एक अच्छे लेवल तक उठा सकते हो।
तो क्यों ना हम अपने कॉलेज में ये करें। ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार कि हमें जॉब दे। सरकार तो धीरे धीरे वो काम करेगा जहां पे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएंगे, नई नई स्कीम्स भी आ रही होंगी। जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मोहब्बत है, पूरे शिद्दत से लगो, ठीक है। किसी को यूं कहते हैं भाई कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ता है भाई, आपको एक सीट चाहिए। कभी भी किसी को आपको डिस्करेज मत करने देना, ठीक है। स्टार्टअप भी खोलोगे तो वहां पे भी आपको रिस्क दिख रहा होगा। आप अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हो, काफी बार हम डिस्कवर भी नहीं कर पाते हैं, पर उस खोज में जनाब लगे रहना। शुरुआत कर सकते हो आप कुछ स्किल्स के साथ। अपनी कॉलेज की फीस हम स्वयं क्यों ना दें। हमेशा वो चीज आपको रिकमेंड करूंगा जो स्वयं करी होगी। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे देते हो और आपके मम्मी पापा को खर्चा नहीं करना पड़ता। आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। अपनी पहली सैलरी आप कॉलेज के दौरान ही अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं। ये कॉलेज के 3 साल में एक स्किल पकड़ो और उसको अपस्किल कर जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकता हूं टेक के अंदर, ऐसे ऐसे बच्चे यार जिनका बिल्कुल अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ। हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति है जिसने यार ओपन से अपना पढ़ाई किया, वेब डेवलपमेंट सीखा, जीसॉक एग्जाम को क्वालिफाई किया और कॉलेज के दौरान 70,000 रुपए कमाता था और ओपन कॉलेज कर रहा था। तो उसने कॉलेज में भी फीस वेस्ट नहीं करी अपनी, अपना समय में स्किल भी सीखा, सैलरी भी कमाई और अपना कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले 70,000 रुपए कमा रहे। तो ऐसे व्यक्ति आप क्यों ना बने। हाँ या ना, आप में से यार काफी ऐसे भी होंगे जिनके पास हो सकता है लैपटॉप के पैसे ना हो, तो वहां पे दिल छोटा नहीं करना है। वहां पे यूं सोच लेना कोई बात नहीं, क्यों ना एक साल में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपना पैसा कमा सकूं। क्यों ना मैं किसी टेलीकॉम कंपनी काम, कॉलिंग टीम वगैरह हो गए, बहुत सारे आपको काम होंगे जहां से आप थोड़ा थोड़ा कमा सकते हो। कोई शर्म नहीं होती कोई छोटा काम को उठाने में, वहां से आप सीखते हो। हाँ भाई, आपका सिलेक्शन ही किसी बड़ी IIT में हो रखा है, बहुत बड़े कॉलेज में हो रखा है और आपको पता है भाई आपकी लाखों की जॉब लगेगी, ठीक है, तब आपके लिए मे भी इतना सेंस ना बनाए, ठीक है। बाकी मेरा भी वैसा सही कुछ कॉलेज था, मैंने भी कुछ ऐनी ही चीज़ों से स्टार्ट किया था और वो करते करते चीज़ें बड़ी होती है। कोई काम छोटा नहीं होता, आपकी वो मोहब्बत होनी चाहिए जिस पे आप मात्र 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, आपका यूं क्लियर यार समय बीत कैसे गया, अरे यार मन कर रहा है, अरे यार 2 दिन 5 दिन बाहर घूम लिया, वापस काम तो करें, बोर हो रहे हैं, कितना घूमेंगे, इस चीज का हमारा मन करे। आज हम अपने घर में शायद निकरों में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, पर आने वाले 5-6 सालों में आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। सरकार के ऊपर ही हम क्यों डिपेंडेंट रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप हमारा जॉब लेकर हम कर रहे हो। जब आप जॉब करते हो सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाते, जब आप पे अपना पैसा खर्च करने की पावर होती है, आप 2 लोगों को और जॉब देते हो, आप कुछ ऑर्डर करते हो, आप खाना जाते हो, आप बाहर घूमते हो, तब आप बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हो। और इसी प्रकार से जनाब हम अपने इस देश को ऊपर लेके जा सकते हैं। अपने 3 साल कॉलेज के हम व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। किसी के गोल हो सकते हैं कि हो सकता है नहीं भाई मैं 3 साल कॉलेज में भी अपना गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा, वेरी गुड, फिर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने समय को, आपने अपना गोल अपनी तरह से असाइन किया है। तब के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय बाय।